सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। खुद कितने भी उलझे रहो पर दूसरों को हमेशा मिठास दो। जीवन में मुश्किलों को ऐसे नजरअंदाज कीजिए जैसे गोलगप्पे वालों को उनके काले काले हाथों से आलू मसलते हुए नजरअंदाज करते हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या नाम ऐसा करो कि नाम लेते ही तुम्हारा काम हो जाए। आज का पंचांग 4 जनवरी 2021 दिन सोमवार पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 7:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:32 से 9:52 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 1:04 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। तुला राशि 4 जनवरी 2021 दिन सोमवार। आज का दिन इनकम को बढ़ाने वाला साबित होगा। रिश्तों की स्थिति बता रही है कि आप काफी अच्छी स्थिति में होंगे। बिजनेस में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है जिससे आपको मोटा बेनिफिट होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस खान पान पर थोड़ा ध्यान जरूर दें। बदहजमी से बचें, परिवार के छोटे सदस्य आपका सहयोग करेंगे और घर वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। शादीशुदा लोग गृहस्थ जीवन में बढ़ते तनाव से चिंतित नजर आएंगे, जबकि प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने रिश्ते को परिवार वालों के सामने लेकर आएंगे। आपको मदद की जरूरत है और आप जितनी जल्दी यह बात समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। समय रहते किसी दोस्त से मिली मदद से आप फिर से जीवन में वापस आ पाएंगे। जिन बदलावों का आप विरोध करते आ रहे हैं उनकी महत्व आपको अब समझ में आएगी। खुद उन्हें करने की प्रतिक्रिया शुरू करेंगे। अपने व्यवहारिक जरूरतों के रास्ते में अपने अहम को ना आने दें। आपका करिश्मा आपके आसपास के लोगों को प्रसन्न करता है, फिर चाहे वो घर हो या बाहर। आपके पास खर्च करने के लिए धन है किंतु इसे सोच समझकर खर्च करें। दोस्तों के साथ घूमने जाएं। नेटवर्क के लिए यह अच्छा समय है जिससे कनेक्शन बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होंगे। मित्रता अच्छाई को बढ़ाती है और बुराई को प्रभावित कर देती है, इस बात का आप अश अनुभव करेंगे। आपका अधिकतर समय मित्रों के साथ बीतेगा और इस समय को हमेशा याद रखेंगे। यह एक अच्छा अनुभव है। लोगों के साथ विनम्र होना सीखें। महत्वपूर्ण होना जरूरी है लेकिन अच्छा होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित मामला अटका हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई कार्य संपन्न हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। बच्चे सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। परिस्थिति से भागना या परिस्थिति को नजरअंदाज करना केवल आपके प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। तकलीफ से दूर भागने के बजाय उनका सामना करना सीखना होगा। रिश्तों में आ रही का टूटा मिटाने की कोशिश करें। सावधानियां, आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा अपने कार्य पर अधिक ध्यान दें। आज किसी भी प्रकार की उधारी
देने का काम ना करे क्योंकि वसूली मुश्किल रहेगी। किराएदारी संबंधित मामलों में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। कभी कभी आपका मनमौजी स्वभाव परिवार के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, इसीलिए अपने आप में गंभीरता लाएं तथा कुछ समय परिवारजनों के साथ अवश्य बिताएं। आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे जिसका आपके साथ एक करीबी रिश्ता रहा है। इस मुलाकात की वजह से आप अपने मौजूदा रिश्तों की गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं या उनका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है, या पुराने रिश्ते या नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत को चिन्हित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, उसे छुपाएं नहीं, और इस तरह से आप एक बेहतरीन दिन को जी पाएंगे। नजरों के इशारे या छेड़खानी का प्यार के रिश्ते में अपना खास महत्व है। किसी क्लब या समूह या सोसाइटी में शामिल होकर आप अपने बोरिंग जीवन में ताजगी ला सकते हैं। अपने आकर्षण के साथ साथ अपनी योग्यता का प्रयोग करके इस समय आप अपने क्रश को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। आज के दिन आपके और आपके दोस्तों के लिए खास है। आज आप इस बात को अनुभव करेंगे कि दोस्ती खुशियों को दोगुना करती है जबकि दुखों को कम कर देती है। याद रखें, आपका पार्टनर आपका सच्चा दोस्त है जो हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। अपने हम सफर को शुक्रिया कहें और प्यार के साथ उनकी केयर भी करें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपके लक से भरपूर नहीं है, लेकिन आपका करिश्मा और आकर्षण इसे खास बना सकता है। अपने कार्यस्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए आपको नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। अतिरिक्त लाभ और सफलता के लिए अभी कुछ समय इंतजार करना बेहतरीन होगा। दोस्ती खुशियों को दोगुना करती है जबकि दुखों को आधा कर देती है। आपके दोस्त आज आपका अधिकतर समय लेंगे जिससे आपको खुशी होगी। अब आप कुछ मजेदार करना चाहते हैं, इसके लिए आप लॉन्ग ड्राइव या पार्टी का भी सहारा ले सकते हैं। उतार और चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, इसीलिए जीवन में सुख दुख दोनों को स्वीकार करें। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और अपने सपनों का पीछा करने के स्थान पर आप सुनियोजित तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं। दूसरे इस तरह नहीं है, लेकिन दूसरों को ये ना बताएं और समय पर सब छोड़ दें। इस भावना को त्याग दें, अन्यथा लोगों को ये गलतफहमी होगी कि आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं सेहत की। आज का दिन आपकी सेहत के लिहाज से काफी अच्छा है, हालांकि कुछ अधिक सोचने के कारण आपको तनाव हो सकता है जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा किस कारण से हो रहा है जिससे आप तनाव से बच पाए। आपको यह समझना होगा कि आपकी सेहत आपके हाथों में है। आज का उपाय, चावल दूध या चांदी का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।